दिल्ली में एक शख्स ने अपनी कार को रिमोट से लॉक कर दिया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका छोटा सा बेटा और भांजा कार में खेलते खेलते कार के अंदर चले गए थे। वो बच्चे कार बंद होने की वजह से अंदर ही फंस गए और उनकी मौत हो गई। ये घटना पूरे समाज के लिए एक सबक है, क्योंकि जरा सी लापरवाही बच्चों की जिंदगी के लिए कैसे खतरा बन सकती है। देखिए रिपोर्ट। हर माँ पिता के लिए जरूरी खबर। दिल्ली में कार लॉक होने से दो मासूमों की मौत। कार का दरवाजा बंद तो बच्चों की सांस बंद। एक छोटी सी लापरवाही ने ले ली दो बच्चों की जान। देश की राजधानी से आई है एक ऐसी खबर जिसने हर परिवार को हिलाकर रख दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली के रनौला इलाके की है, जहां एक कैब में दम घुटने से दो बच्चों की मौत हो गई। उनकी उम्र महज 4 और 5 साल की थी और वो रिश्ते में भाई थे। घटना 4 अक्टूबर की बताई जाती है। जिस परिवार में यह हादसा हुआ वो दिल्ली के रनौला इलाके में रहता है। परिवार का मुखिया कैब चलाता है। हादसे वाले दिन वो कैब को घर के बाहर खड़ा करके अंदर चला गया। इस दौरान वो गाड़ी को लॉक करना भूल गया था। बाद में जब उसे यह बात याद आई तो उसने रिमोट के जरिए घर के अंदर से ही गाड़ी को लॉक कर दिया। लेकिन इस बीच उस शख्स का बेटा और भांजा खेलते खेलते गाड़ी के अंदर चले गए और वो दोनों बच्चे गाड़ी लॉक होने की वजह से अंदर ही फंस गए। जब बच्चे कई घंटे तक नहीं मिले तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। पुलिस की मदद भी ली गई। आखिरकार दोनों बच्चे कैब के अंदर मिले, लेकिन तब तक दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इमीडिएटली हमने केस रजिस्टर कर लिया और उसके बाद जो पता चला वो बड़ा ही दुखद एक घटना थी कि दोनों बच्चे उन्हीं की, जो उनके फादर थे, उन्हीं की गाड़ी में सुबह जब वो आए थे बाहर से, उन्हीं की गाड़ी में अंदर बैठ गए थे और बाहर से गाड़ी लॉक हो गई। जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम होता है उससे गाड़ी लॉक हो गई और बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। उसके बाद जब पीएम रिपोर्ट हुआ है और बाकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई है, उसमें पता चला कि बच्चों की डेथ सफोकेशन की वजह से हुई। जो हमारा जो असेसमेंट है एज़ पर आर इन्वेस्टिगेशन, हमें लगता है कि ये एक फ्रीक एक्सीडेंट था। ये घटना पूरे समाज के लिए एक सबक है कि जरा सी लापरवाही भी मासूमों की जान ले सकती है। खास तौर पर रिमोट से कार को लॉक करते समय ये चेक कर लेना चाहिए कि अंदर कोई बच्चा तो नहीं रह गया। मेरी अपील है सभी पेरेंट्स से कि वो जो छोटे बच्चे हैं उन पर ध्यान रखें। वो जहाँ भी जाते हैं, कहाँ खेल रहे हैं, उन पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो अवॉइडेबल था। अगर बच्चों पर ध्यान रखा जाता कि कहाँ पर जा रहे हैं तो इसको अवॉइड किया जा सकता। अगर बच्चे बाहर खेल रहे हों तो हमेशा उन पर निगाह बनाए रखना चाहिए। खास तौर पर अगर वो कार या किसी दूसरे वाहन के नज़दीक खेल रहे हैं तो ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। कई बार अबोध बच्चे खेलते खेलते कार के अंदर चले जाते हैं और इस तरह के दुखद हादसे हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि माता पिता सावधानी रखें और बच्चों को हादसों का शिकार होने से बचाएं। दिल्ली से नवीन निश्चल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कुछ दिन पहले भी दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कार के अंदर दम घुटने से बच्चों की मौत हो गई थी। आइए हम आपको बताते हैं कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए आपको एहतियात क्या बरतना चाहिए। आइए हम आपको डेमो के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं जिनके जरिए बच्चों को कार में बंद होने से बचाया जा सकता है। ये रिमोट बच्चों के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रिमोट खिलौना नहीं है जो आप बच्चों को देते हुए खुशी महसूस करें। इस रिमोट से वो दरवाज़ा खोलकर बच्चे अंदर चले जा सकते हैं, अंदर लॉक हो जा सकते हैं और फिर वो हो सकता है कि उनसे दरवाज़ा नहीं खुले और ये ऐसे आवाज़ दे लेकिन ये आवाज़ कोई सुन नहीं पाए और वो खोलने की कोशिश उनकी नाकाम हो जाए। और इसके अलावा वो दूसरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि आखिर कैसे इससे बाहर निकला जाए और हड़बड़ी में कुछ बातें वो भूल जाते हैं। खासकर उनको ये टेक्निक भी आपको बताकर रखना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि ये बंद हो जाए तो फिर इसे कैसे खोला जाए, क्योंकि टेक्निक अगर मालूम नहीं है तो बच्चा अंदर फंस सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ है। और साथ ही साथ इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा अगर खेल रहा है गाड़ी के आसपास तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेलते खेलते अचानक बच्चा कार के पास जाकर उसका दरवाज़ा खोल कर अंदर पहुँच जा सकता है और अंदर वो लॉक हो जा सकता है। थोड़ी देर बाद दम घुटने से उसकी मौत भी हो सकती है, जैसा कि इस मामले में हो सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है।
यानी सावधानी में ही सुरक्षा है। बच्चे जब भी कार के आसपास खेलें तो उन पर नजर बनाकर रखनी चाहिए ताकि वो कार के अंदर लॉक ना हो जाएं और कोई अनहोनी ना हो। अभिषेक पांडे के साथ करुण कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर आप कार का इस्तेमाल करते हैं तो एक और खतरा है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। खड़ी कार में कभी भी एयर कंडीशनर चलाकर नहीं सोना चाहिए। दरअसल जब कार ठहरी हुई होती है और आप उसमें काफी देर तक एसी चलाते हैं तो उससे जहरीली गैस निकल सकती है और कार में सोए हुए लोगों का इससे दम घुट सकता है। चिलचिलाती धूप में सफर तब सजा में बदल जाता है जब कार का एसी खराब हो। पूरे रास्ते गर्मी और पसीना से हालत खराब हो जाती है, लेकिन कार का एसी काम कर रहा हो तो सूरज देवता चाहे कितना भी कहर बरपाए कोई फिक्र की बात नहीं है। एसी में तो सफर कूल कूल ही रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार का एसी जान का दुश्मन भी बन सकता है? अगर आपको खड़ी कार में एसी चलाने की आदत है तो सावधान हो जाएं। रुकी हुई कार में एसी चलाकर सोना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। कुछ लोग गाड़ी का एसी स्टार्ट करके गाड़ी में सोना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार इससे धोखा भी हो जाता है क्योंकि आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे और उसके बाद एसी चला देंगे कुछ इस तरह से। और इस वक्त तो एसी आने ठंड भी आपको लगने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो आपको मौत की नींद सुला देती है। यानी पहले आप सो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ लोगों की मौत ऐसे ही हुई है। अब हमारे सामने अगला सवाल था कि आखिर खड़ी कार में एसी चलाकर सोना खतरनाक क्यों है। इसका जवाब जानने के लिए हमने जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से बात की। कई बार एक गाड़ियों के अंदर लीकेजेस होती हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर गाड़ी चल रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो अंदर खींच लेता है और इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ साइलेंट गैस, तो पता भी नहीं लगता जब आदमी बेहोश हो जाता है, देन मौत आ जाती है। तवज्जो देने वाली चीज़ ये है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए ज़रूर जहाँ पर गाड़ी हो। एग्जॉस्ट सिस्टम आपका सही होना चाहिए जो कि एग्जॉस्ट की गैसेस रिसर्कुलेट करके गाड़ी के अंदर ना आ जाएं, और आपको फ्रेश एयर मिलती रहनी चाहिए साथ साथ जब आप गाड़ी में बैठे हैं ज़्यादा देर के लिए। जानकारों के मुताबिक खड़ी कार में एसी चलाने से इंजन जल्द गर्म हो जाता है। इसके कारण कार में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगती है। कार में सो रहा शख्स भी अपनी सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। कार के अंदर सोते शख्स को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को सांस के जरिए ले रहा है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन सो रहा शख्स इससे बेखबर रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कम गंध वाली और हल्की गैस होती है और सोते हुए व्यक्ति को इसका पता नहीं चल पाता। थोड़ी देर बाद उसकी सांस घुटने लगती है। सांस रुकने से नींद के दौरान ही मौत हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस खतरे से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कार एक्सपर्ट के मुताबिक रुकी हुई कार में ज्यादा देर तक एसी नहीं चलाएं, खड़ी कार में एसी चलाकर नहीं सोएं। अगर आराम करना हो तो कार के बाहर करें। कार में एसी को फ्रेश एयर मोड पर चलाएं। एसी ऑन होने पर विंडो शीशे को जरा नीचे रखें। प्रदूषण वाली जगह से गुजरें तो कार के एसी को सर्कुलेशन मोड में चलाएं। कार में नमी के लिए थोड़ा खुला पानी भी रख सकते हैं। अगर आप इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद एसी ऑन करते हैं तो ये कम से कम बेहतर होता है। ऐसी स्थिति में वो खतरनाक गैस नहीं निकलती है और तब जो है उसका घातक असर होने की संभावना कम होती है। इसलिए अगर एसी स्टार्ट भी करना है तो आप उसका इंजन ऑन करके एसी को ऑन करें। लेकिन एक बात का और भी ख्याल रखना चाहिए इसमें कि आप वैसी जगह पर गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन ना करें जहां पर कि वो बंद जगह हो, जैसे कि एक गैरेज। खुली हुई जगहों में आपके ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन अगर गैरेज में आप इंजन ऑन करके भी एसी स्टार्ट करते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार जब भी आप कार का एसी ऑन करें तो इन एहतियातों को याद रखें, क्योंकि इसका सीधा सरोकार आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से है। दिल्ली से करुण कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।